गोंडा में एनआरआई इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि एनआरआई योगेंद्र तिवारी अमेरिका में रहते थे और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन अब वो अपने पैतृक गांव लौटे हैं और अपने गांव के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने गांव में वैदिक शिक्षा के लिए एक पाठशाला खोली है, जो वैदिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देगी। संस्थान के संस्थापक योगेंद्र तिवारी ने बताया कि इस वर्ग में सभी जातियों और आयु वर्ग 8 से 12 साल के शिक्षार्थियों को शामिल किया जाएगा। तो आधुनिक शिक्षा के परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि शिक्षा मूलतः जीविका आधारित स्किल बेस्ड, कि जिससे कि हम किसी प्रकार बालकों को ऐसी शिक्षा दे सकें जिससे कि उनको रोजगार मिल जाए, यही दिखाई देता है। किंतु इससे आगे बढ़ करके उनको वास्तविक संस्कारों की शिक्षा देना कि किस प्रकार देश, समाज, परिवार, स्वयं और धर्म के प्रति हमारे दायित्व क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, अकर्तव्य क्या हैं, इन सब को हमारे जिस प्रकार से पूर्व में गुरुकुलों में दीक्षा दी जाती थी, हमारा प्रयास है कि पुनः उनको एक प्रकार से पुनर्जीवित किया जाए। और वह करने के लिए हम छुट्टियों का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ और बीच बीच में अन्य अवकाश जो होते हैं, उनमें आवासीय रूप से, गुरुकुल रूप से बालकों को यहाँ ला करके उनको धीरे 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 ब्रह्मचारियों के नित्य कर्म, वेदों के परिचय, वेदांगों के बारे में थोड़ा ज्ञान, अन्य साहित्य छंद आदि से परिचय, संस्कृत भाषा, योग आदि से परिचय करवाया जाए। कितने दिनों का कार्यक्रम था? 8 दिन तक कार्यक्रम चला। हमने वेद का मंत्र पढ़ा, संध्या उपासना सीखा, अति संध्या ध्यानम सीखा, संध्या ध्यान कैसे करते हैं। कोई श्लोक सिखाओ जो बताओ। हिमाद्रीललाटे पदे वसिन्धु प्रियं भारतं तत्सदा दर्शनीयं धनानां निधानं धारायं प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यं यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु सुगीतम् प्रियं भारतं तत्सदा दर्शनीयम्। बता दें कि शिविर में बालकों को दैनिक नियम के साथ ही सामवेद और यजुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों की रचनाओं द्वारा संध्यापासन और समिदाधन का भी ज्ञान कराया जाएगा। योग और संस्कृत के आचार्य गणों की देखरेख में बच्चों को वैदिक रीति से शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओमचंद की रिपोर्ट।